ओके हाय एवरीवन। सो ईएमटी का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और कल हमने जहाँ पर छोड़ा था वो था कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो कर्ल से यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड हिंदी में मैं, जैसा कि मैंने बोला था कि जो आपके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको अगर हिंदी में चाहिए तो आई विल शो यू द नोट्स इन हिंदी ऑल्सो। सो कर्ल को समझने के लिए मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि हम किसी के बालों को देख कर कहते हैं कि वो स्ट्रेट बाल हैं या फिर कर्ली बाल हैं। तो कर्ल का मतलब ऐसा होगा कि जहां पर हमें कुछ घुमावदार चीजें दिखे, राइट, या कुछ लूप जैसा दिखे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लूप दिख रहा होगा जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से जा रहा है और इस तरह से आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये क्लोज लूप है। इसे क्लोज लूप को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एरो जो है उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो एरिया होता है उसका एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। नाउ यहाँ पर देखिए, इमेजिन अ क्लोज पाथ अराउंड अ पॉइंट पी सिचुएटेड इन अ वेक्टर फील्ड, फिगर 11। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, सपोज यहाँ पर कोई वेक्टर फील्ड है ए जो कि फैला हुआ है इस पूरे रीजन के अंदर, और उसमें हमने एक क्लोज पाथ जो है, बंद पाथ जो है, उसको पी पॉइंट के अराउंड, यानी यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो उसके चारों तरफ हमने इसको इमेजिन किया है। नाउ दिस क्लोज पाथ कैन बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। ये कह रहा है कि इस क्लोज पाथ को छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जैसे एक टुकड़ा ये हो गया, ठीक है, फिर एक टुकड़ा ये हो गया, फिर इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस में हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया है। तो छोटे छोटे लेंथ हमारे पास एलिमेंट मिल गए। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट विल बी डीएल, यानी कि ऐसा ही एक छोटा सा अगर एलिमेंट हमने लिया है तो सपोज उसकी लेंथ कितनी ले रहे हैं अपन, डीएल वेक्टर ले रहे हैं, ओके। एंड द वेक्टर फंक्शन इज ए एट द पोजिशन ऑफ दिस एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास वेक्टर फील्ड जो होती है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। तो सपोज यहाँ पे हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया है लेंथ का, और वो कितना है, डीएल, और जहां पर ये लेंथ एलिमेंट लिया है वहां पर वेक्टर फील्ड यानी सदिश क्षेत्र जो है उसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास ए वेक्टर है, ओके। देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शन ए एंड डीएल विल बी ए डॉट डीएल। तो इस स्थिति में हमारे पास इस पॉइंट पे ए और डीएल का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमारे पास वो होगी ए डॉट डीएल, करेक्ट, ये हमारे पास होगी। नाउ द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट डीएल फॉर ऑल द एलिमेंट्स एंड द वेक्टर फंक्शन ए फॉर दीज डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन फॉर द कंप्लीट क्लोज पाथ। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो छोटे छोटे सेक्शन लिए हैं सभी सेक्शन पर ये प्रोडक्ट निकालिए, पूरे सेक्शंस के लिए आप समेशन कर दीजिए। अब क्योंकि आपने जो लेंथ एलिमेंट लिया है वो बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो है, जब टेंस टू जीरो होता है तो समेशन पॉसिबल नहीं होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सारे पाथ के लिए, छोटे छोटे एलिमेंट के लिए, सबसे पहले ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सबको ऐड कर देना है, तो हमें पूरे क्लोज लूप के लिए ये डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, और इसे हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। तो ये तो हुआ लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन। दिस लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अराउंड अ क्लोज पाथ इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन, इसे हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो हिंदी में थोड़ा सा शो कर देती हूँ, ये देखिए, माना सदिश क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पी के चारों ओर एक काल्पनिक बंद पथ सी है। तो ये बिंदु पी हो गया, इसके चारों तरफ हमारे पास एक काल्पनिक बंद पथ लिया है। सी को असंख्य सूक्ष्म लंबाइयों के अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। इस सी को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, सबका जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो कितना है, डीएल है, और उस पर जो लोकेशन पर ए की वैल्यू है वो ए है, डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है ए डॉट डीएल, और इन सबको टोटल करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था कि सर्कुलेशन बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण। आई होप दैट इज क्लियर, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, द लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज पाथ। ये कह रहा है कि जो लाइन इंटीग्रल है ये कई बार क्या होता है कि जो आपने एरिया पकड़ के रखा है वो आपने ऐसे पकड़ के रखा है या ऐसे पकड़ के रखा है या वर्टिकली रखा है, इन सब ओरिएंटेशन के लिए यानी इन सब की अलग अलग पोजीशन के लिए हमें ये जो लाइन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलती है, ये लाइन ये कहना चाह रही है, ठीक है। इफ द सरफेस एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ इज केप्ट इन सच अ वे दैट द लाइन इंटीग्रल बिकम्स मैक्सिमम, हमें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जो ये एरिया,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये जो एरिया हम ले रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली जो क्लोज लूप हमने बनाया है उसके अंदर कुछ एरिया आया है ना, ये शेडेड वाला पार्ट। इसकी ओरिएंटेशन यानी इसका झुकाव यानी इसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है हमारा क्या, गामा। गामा हमको पता ही है क्या है हमारा, ए डॉट डीएल। तो इसकी वैल्यू क्योंकि हमें अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मिल रही है, तो हमें इसकी लोकेशन या इसकी पोजीशन को कुछ इस तरह से रखना है कि हमें गामा की वैल्यू क्या मिले, मैक्सिमम मिले, यानी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम मिले। तो देखो, इफ द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, यानी कि जो क्लोज्ड पाथ हमने लिया है उसके अंदर जो एरिया आया है उसको ऐसे रखा गया है, इज केप्ट इन सच अ वे, ऐसे रखा जाए दैट द लाइन इंटीग्रल, कि उसका जो रेखा समाकल है या लाइन इंटीग्रल है और सर्कुलेशन बिकम्स मैक्सिमम, यानी गामा मैक्सिमम हो जाए उस एरिया को, ऐसे ऐसे टेढ़ा करके हमें कुछ इस तरह से रखना है कि गामा हमें मैक्सिमम मिले। जब गामा हमें मैक्सिमम मिलेगा तब उस पोजीशन में या उस कंडीशन में, अब आप देखिए, देन इन दिस ओरिएंटेशन यानी कि इस स्थिति में द रेशियो ऑफ द लाइन इंटीग्रल, यानी लाइन इंटीग्रल का रेशियो लेना हमें टू द एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड के साथ में बाय द पाथ विद द एरिया टेंडिंग टू जीरो, और उस कंडीशन में लिमिट क्या लगानी है, एरिया टेंड्स टू जीरो, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल। ये इस वेक्टर का कर्ल होता है और यहां पर हमें क्या मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड मिलता है, क्योंकि कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो फॉर्मूला हमने दिया है उससे फिलहाल हमें सिर्फ किसके बारे में जानकारी मिल रही है, मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी मिल रही है एट द पोजिशन ऑफ दिस एरिया एलिमेंट। तो ये हमारे पास कर्ल का फॉर्मूला होता है और गामा की वैल्यू हमें पता ही है, ये है, इसके आगे मैक्सिमम लगा दिया। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर कर्ल। हिंदी में देखो इसकी डेफिनेशन कैसे समझेंगे, रेखा समाकल जो है वो सी के द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल के अभिविन्यास पर निर्भर करता है, यानी कि जो गामा मिला है हमें वो अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन, एरिया को हमने कैसे रखा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल को इस प्रकार रखा जाए कि रेखा समाकल का मान अधिकतम आए, यानी गामा हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले, तो इस स्थिति में उपरोक्त रेखा समाकल तथा पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात, ये गामा समाकल हो गया और ये एरिया इंटीग्रेशन एरिया एलिमेंट का एरिया हो गया, उसका अनुपात रेशो ले लिया, कब, जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो, तो ये लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है, यानी इस कर्ल ऑफ ए का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें यहां से मिल जाता है, यहां से वैल्यू पुट करके हमें कर्ल का मान आ जाएगा। ओके, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स द एरिया एलिमेंट विद मैक्सिमम सर्कुलेशन अराउंड इट्स बाउंड्री। ये कह रहा है कि क्योंकि आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में सिर्फ ये बताया है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अगर आपको इसकी डायरेक्शन जाननी है तो वो डायरेक्शन बता रहा है कि जो भी आपने प्लेन रखा हुआ होगा उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, कर्ल की डायरेक्शन होगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कर्ल की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी होगी, एरिया की डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं इस लूप को ऐसे रखूं तो इसका एरिया भी इसके परपेंडिकुलर आएगा और इसका कर्ल भी हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगा। इसी तरह से हिंदी में देख लीजिए, इसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें स्थित क्षेत्रफल अल्पांश की परिसीमा पर परिसंचरण अधिकतम होता है, यानी कि हमें सबसे पहले एरिया लेना है, उसको इधर उधर करके एक ऐसी पोजीशन में लाना है जहां पर हमें कर्ल का मान मैक्सिमम मिल जाए। अब कर्ल की डायरेक्शन कैसे लेनी है कि जैसा भी हमारा एरिया रखा हुआ है इसके बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो कर्ल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नोट्स के हिसाब से। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ एन इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया एलिमेंट, यानी कि जो एरिया हमने लिया है अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन केप हो तो जाहिर सी बात है जो कर्ल होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, एन केप ही होगी, राइट। देन द वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन आर इज द कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए अलोंग द यूनिट वेक्टर एट दिस पॉइंट। इस कंडीशन में हमें कर्ल को जब हम एन केप से डॉट प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड क्यों मिलेगा, ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहती हूँ। देखो कर्ल की डायरेक्शन हमने बोल दिया है कि एन केप में होगी, है ना, तो अगर मैं कर्ल ऑफ ए, है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए,
तो मुझे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और फिर इसका वेक्टर लिखी जाती है। और हमें क्या करना है, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसका लेना है, एन कैप के साथ में। तो अगर मैं इसके साथ में इसका ले लूं एन कैप में, तो ये एन डॉट एन कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वन, और आपको मिल क्या मिल जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, किसका, कर्ल ऑफ ए का। और कर्ल ऑफ ए का मैग्नीट्यूड यही था, कर्ल ऑफ ए का मैग्नीट्यूड यही था। तो एन कैप जो है वो किसकी डायरेक्शन है, कर्ल ऑफ ए की है। और सेम डायरेक्शन में जब मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आई डॉट आई वन होता है, उसी तरह से एन डॉट एन वन हो जाएगा, तो हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से हिंदी में देख लीजिए, यदि किसी बिंदु पर स्थित क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा में एकांक सदिश एन है, यानी एरिया वेक्टर जो है वो एन कैप है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल परिसंचरण का अधिकतम मान एन के अनुदिश उस बिंदु पर कर्ल का घटक। कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो सिर्फ ये लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि कर्ल की दिशा जो है वो इस फॉर्मूले से दी जा सकती है। अब जैसे कि हमने डाइवर्जेंस का मान निकाला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसी तरह से हम कर्ल का मान निकालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो यहां पर पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस आया है इंग्लिश मीडियम में, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बाद में देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम कर्ल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखते हैं, क्योंकि ये हिंदी मीडियम में पहले आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, इस बार टू डिटरमाइन द कर्ल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर्ल का मान ज्ञात करने के लिए हम वी रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट सेपरेटली। हम पहले कर्ल का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो तीन कंपोनेंट मिलेंगे, तो हम पहले एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, फिर वाई कंपोनेंट निकालेंगे, फिर जेड कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमें जेड कंपोनेंट निकालना है। अगर हमें इसका जेड कंपोनेंट निकालना है तो हमारा एरिया जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी कहा है कि अगर एरिया ऐसे रखा हुआ होगा तो कर्ल किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो अगर ये वाली मेरी y डायरेक्शन हो जाए, ये वाली मेरी x डायरेक्शन हो जाए, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, z, यानी कर्ल का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, z कंपोनेंट। तो हमने जो एरिया लिया डायग्राम में वो इधर x है, इधर y है, यानी कि जो एरिया हमारा लूप जो है वो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन में हमने लिया है। तो ये देखिए, के एल एम एन ऑफ एरिया एलिमेंट डी ए इज सिचुएटेड इन एक्स वाई प्लेन अराउंड ओ पॉइंट है, और ओ पॉइंट के ऊपर हमने क्या लिखा है, ए वेक्टर की वैल्यू ली है, और ओ पॉइंट पर इसके तीन कंपोनेंट है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, और तीनों की अपनी अपनी डायरेक्शन हमें पता है। नाउ क्योंकि हमने ये एक्स वाई प्लेन में लिया है, तो ये लेंथ देखिए एक्स डायरेक्शन के पैरेलल है, तो डीएक्स हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, डी वाई। तो इसका जो एरिया है, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो हम वो कितना लेंगे, डीएक्स इंटू डी वाई, हमारे पास हम इसका एरिया ले लेंगे। चलिए हिंदी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। तो हमारे पास माना सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु O पर A का मान जो है वो AX, AY और AZ है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास में। अल्पांश क्षेत्रफल DA है, KLMNK, K से शुरू हुआ, L पे गए, फिर M पे गए, फिर N पे गए, फिर वापस K पे आ गए, तो डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से रहेगी। ये हमारे चलने की डायरेक्शन है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा लेंथ वेक्टर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद DX, DY चौड़ाई है, XY अक्षों के अनुदिश है, चित्र में इसे बढ़ाकर बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, तो वो मैं इंग्लिश वाला कंसीडर कर लेती हूँ। चलिए, सबसे पहले द वेक्टर फील्ड अलोंग द पाथ केएल। अब देखिए, हमें केएल के अलोंग एएक्स की वैल्यू निकालनी है ना। अब आपको जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप डायरेक्टली यहां पर आ जाइए कि केएल के द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द पाथ केएल ये होगा। ये कैसा है मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, ये यहां पर देखिए, हमने ये पाथ लिया था, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन था। केएल पाथ हमारा कौन सा है, ये। हमें क्या करना है कि हम के से एल की तरफ गए, तो जो डीएल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, इसे याद रखिएगा। यहां पर हमारे पास तीन कंपोनेंट है, ए एक्स, ए वाई और इधर है ए जेड। हमारा काम है ए डॉट डीएल निकालना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो डीएल वेक्टर है केएल के लिए, किसके लिए, के से लेकर एल तक के लिए, कि कौन सी डायरेक्शन में है,
एक्स डायरेक्शन में है, तो अगर इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट इसका ए एक्स के साथ में भी हो सकता है, ए वाई के साथ में भी हो सकता है और ए जेड के साथ में भी हो सकता है, क्योंकि डीएल तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पाथ हमने फिक्स कर दिया है, हमें के से लेके एल तक चलना है, लेकिन ए वेक्टर की वैल्यू हम कौन सी निकालें, हम ए एक्स की निकालें या ए वाई की निकालें या ए जेड की निकालें। तो आप सोचिए कि क्या हमें इससे कुछ मिलेगा, ए वाई डॉट एक्स से हमें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो है एक्स डायरेक्शन में और ए वाई आपका है वाई डायरेक्शन में, और एक्स डॉट वाई हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दैट इज, आई होप क्लियर। सिमिलरली ए जेड डॉट एक्स, ये भी हमें कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा, क्योंकि ये जेड दिशा में है और ये एक्स दिशा में है, दोनों के बीच में डॉट लगने का मतलब है जेड का मैग्नीट्यूड एक्स का मैग्नीट्यूड cos 90, तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा? जीरो। यानी कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कौन सी निकालनी है? एक्स की निकालनी है, हमें ए एक्स की निकालनी है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इतना हमें समझ में आ गया है कि हमें ए एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो केएल पाथ के अलोंग हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए एक्स की निकालेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, तो यहां पर ए एक्स की वैल्यू, अब ए एक्स की जो डायरेक्शन है वो सेंटर पे, ओ पॉइंट पे हमें वैल्यू कितनी मिली है? ओ पे हमें इसकी वैल्यू मिल रही है ए एक्स, और निकाल मतलब इस लाइन पे तो हमें पता है, इस लाइन पे तो हमें पता है हमें चाहिए नीचे तक, हमें नीचे तक। तो जब हम यहां से लेके नीचे तक आएंगे तो ऑब्वियसली ए एक्स के मान में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हम तो वाई में ट्रेवल कर रहे हैं, ये तो वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में चेंज होने से ए एक्स के मान में परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल रख देती हूँ। सपोज क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, क्योंकि ये वेक्टर फील्ड होता है और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम ऐसे लिखते हैं आर क्यूब, और आपका ये हो जाता है आर वेक्टर, सॉरी यूनिट, आप 11-12 की एनसीईआरटी में देख लीजिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि आर स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आर का क्यूब है तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आर का लेना है मुझे, यहां से आर की वैल्यू निकालूंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा, 1/2, और आगे क्यूब लगा हुआ है तो 3/2 हो जाएगा। ओके, अब साथ में आर वेक्टर है, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, आई कैप एक्स जे कैप वाई और प्लस के कैप जेड, ठीक है। तो सिमिलरली यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिला, आई कैप के साथ कौन सा कंपोनेंट है, आई कैप के साथ है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। जे कैप के साथ क्या है, के क्यू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली के कैप के साथ में भी आप खुद निकाल लीजिए। तो जो हमें वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं आई कैप ई एक्स जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। अब आप सिर्फ एक्स कंपोनेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि यही हमारा क्या है, वेक्टर फील्ड का एक्स कंपोनेंट है। इस ई एक्स में चेंज करने के लिए, इस ई एक्स में चेंज करने के लिए क्या क्या चेंज आप कर सकते हो, तो इस ई एक्स में चेंज करने के लिए ये देखिए ई एक्स किस, ये रहा ई एक्स, अगर मैं एक्स को चेंज करती हूँ तो ये यहां पर चेंज हो जाएगा और यहां पर चेंज हो जाएगा, तो मेरा ई एक्स एक्स को बदलने से बदल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए वाई भी है जेड भी है, इसका मतलब ये जो ई एक्स है भले ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, लेकिन ना सिर्फ ये एक्स बदलने से बदल रहा है बल्कि वाई में परिवर्तन करने से भी चेंज हो रहा है, जेड में परिवर्तन करने से भी चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि भले ही हमें ए एक्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में मिला है, लेकिन जब हम वाई में ट्रेवल करेंगे तो भी ए एक्स क्या होगा, आपका चेंज होगा। अब वो चेंज कितना होगा, वो चेंज होने के लिए ये देखिए, वापस से आ जाइए हमारे इस पिक्चर में, हमारा लूप ये था, ठीक है, हमारा लूप ये था, यहां पर हमारा ओरिजिन है और नीचे की तरफ हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, dy/2, क्यों, क्योंकि ये पूरी कितनी है, dy है, और हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट कितना था, ax था, और हमें कितना चाहिए, हमें इस लाइन पे चाहिए, यानी इस लाइन पे तो हमारे पास है, हमें इस लाइन पे चाहिए, तो यहाँ पर मान है ax और नीचे की डायरेक्शन में हम आ रहे हैं और हमें dy/2। तो कल की तरह समझना है कि मान लीजिए डेल वाई दूरी तय करने से ए एक्स में जो चेंज आता है वो कितना होता है, डेल एक्स, ओके। मान लीजिए डेल्टा वाई दूरी तय करने से ए एक्स में परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा ए एक्स, तो एकांक दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने से कितना चेंज हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और dy/2 दूरी ट्रेवल करने से कितना चेंज हो जाएगा,
डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय टू। अब नाउ एक और चीज है कि क्योंकि हम जो नीचे जा रहे हैं वो नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव वाई में ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपके पास कौन सा साइन आएगा, माइनस डी वाई बाय टू आएगा। तो जब आप यहाँ ओ से लेके ए तक, या मान लीजिए ए पॉइंट है, ओ से ए तक आओगे तो ए एक्स में कितना चेंज हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा। तो जब तक आप के से लेके एल, के एल पाथ तक पहुंचोगे, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए ए एक्स माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि डी वाई बाई टू जो दूरी ट्रेवल आपने करी है वो नेगेटिव वाई में करी है, और इतना मान हो जाएगा कहाँ पे, के एल पाथ के अनुदिश। सिमिलरली अगर हम एन एम एन पे जाएं तो हम देख लेते हैं डायग्राम में हमारा एम एन का है, ये देखिए हमारा एम से लेके एन जो है वो ऊपर है, ऊपर का मतलब हम ऊपर की डायरेक्शन में प्लस डी वाई बाय टू दूरी चाहेंगे। तो चेंज तो ए एक्स में उतना का उतना ही होगा, लेकिन इस बार पॉजिटिव में लेना है, तो सेम वैल्यू जो आपने नेगेटिव में लिखी है यही वैल्यू इक्वेशन टू में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस नेगेटिव को अभी के लिए भूल जाइए, मैं बाद में बता दूंगी इसकी वैल्यू क्या है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड याद रखिए, के एल में आपको ये मिला है, एम एन में आपको ये मिला है। अब बात करते हैं हम एल से लेके एम तक की, तो एल से लेके एम तक हमारे पास कौन सा है, ये रहा एल और ये रहा एम। तो क्योंकि आपको देखिए इस डायरेक्शन में आपका डीएल वेक्टर है और आपको लेना है क्या, ए डॉट डीएल, तो आप वही कंपोनेंट लीजिए ए का जो डीएल की दिशा में हो, और डीएल फिलहाल कौन सा है आपका, क्योंकि आप एल से एम में जा रहे हो, एल एम पाथ के लिए डीएल वेक्टर आपका कौन सी दिशा में है, वाई दिशा में। तो ए का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें, ए वाई लेना पड़ेगा। लेकिन ए वाई आपको ओ पॉइंट पे तो पता है, तो आपको इस दिशा में चलना है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है ए वाई की, ए वाई है, और आपको कहाँ पर चाहिए, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वैल्यू पता है और यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना परिवर्तन होगा। तो क्योंकि ये दूरी आप जो ट्रेवल कर रहे हो ये कौन सी दिशा में कर रहे हो, एक्स दिशा में ट्रेवल कर रहे हो, तो सेम वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि मान लीजिए डेल्टा, सॉरी डेल्टा एक्स दूरी पर ट्रेवल करने से ए वाई में कितना चेंज आता है, डेल्टा ए वाई, तो यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने से कितना चेंज आ जाएगा, डेल्टा ए वाई बाय डेल एक्स, और हमें कितना ट्रेवल करना है, हमें यहां से यहां जाना है, तो ये कितना है डीएक्स बाय टू विथ पॉजिटिव साइन, तो प्लस डीएक्स बाय टू दूरी ट्रेवल करने से कितना चेंज आ जाएगा, डेल्टा ए वाई बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डीएक्स बाय टू। और ऑलरेडी ओ पे कितनी वैल्यू थी उसकी, ए वाई थी, और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो ये टर्म क्या हो जाएगा, एड, तो ए वाई में एड कर देंगे, तो ये वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी हमारी, एल एम पे आ जाएगी। शो कर देती हूँ आपको, ये देखिए एल एम पे, तो ए वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाय टू। सिमिलरली पीछे जाओगे तो सेम वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव में आ जाएगी। इस नेगेटिव को एक बार छोड़ दीजिए तो आपके पास इक्वेशन थ्री मिल चुका है और इक्वेशन फोर मिल चुका है, चारों पाथ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल के लिए चारों को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, के एल एम एन के पे लेना है। तो सबसे पहले के से एल तक का इंटीग्रेशन, एल से एम तक का इंटीग्रेशन, एम से एन तक का इंटीग्रेशन, एन से फिर से के से इसका इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करते टाइम पे देखिए यहाँ पे आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम के एल पाथ के लिए लेते हैं, के एल पाथ के लिए ये वैल्यू तो थी ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर था। अब के एल जो है आपका ग्राफ में कहाँ था, ये था के से लेके एल तक। तो जब आप के से लेके एल तक में जा रहे हो तो डीएल वेक्टर जो है आपका वो किधर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, और जो ए एक्स था वो ए एक्स भी किधर था, पॉजिटिव एक्स में, और डीएल भी आपका कैसा है, पॉजिटिव एक्स में। तो जब हम ए डॉट डीएल की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी प्लस एक्स में आ रहा है, ये भी आपका प्लस एक्स में आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो ए डॉट डीएल को सिंपली आप क्या लिखेंगे, ए डीएल, जहां पे ए की वैल्यू तो ये हमने निकाल रखी थी, और डीएल क्योंकि आप के से शुरू होके एल तक गए तो कितनी दूरी तय करी है आपने, पूरी डीएक्स दूरी तय कर ली है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा डीएक्स से। ये बात हो गई के एल की। अब हम चल रहे हैं किसमें, एल से एम में, अब हम गए एल से एम में, तो एल से एम में हम गए प्लस का डी वाई, और एल एम पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो कौन सी थी, ए वाई की वैल्यू ले ली। फिर हम आए एम से एन में, अब इस बार ध्यान से रखिएगा, एम से जब एन में आ रहे हैं तो हम ट्रेवल कर रहे हैं माइनस डी वाई डिस्टेंस, तो यहां पे आपके पास में एम से आप एन में आएंगे तो
तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, जस्ट अ मिनट, डीएक्स डीवाई, डीएक्स डीवाई। इन्होंने यहाँ पर पहले एम से एन में, तो एम एन के अलोंग क्या था हमारे पास, एम से एन में देखने दीजिए मुझे, हाँ एम से एन में हमारा कंपोनेंट था एएक्स वाला, है ना, एएक्स वाला कंपोनेंट था हमारा एम से एन में। हाँ ये सॉरी माइनस डिवाइड नहीं है, ये माइनस का डीएक्स है ना, माइनस का डीएक्स है। इसलिए देखो ये वैल्यू तो हम निकाल चुके थे, और ये जो माइनस था ना, ये माइनस क्यों आ रहा है, ये इस डीएक्स के साथ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप एम से एन में जा रहे हो, तो डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, माइनस का डीएक्स, और यहाँ पे कितना था, प्लस का डीएक्स। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, प्लस का डीएक्स, और जब आप एन से के में आओगे तो माइनस का डीवाई। तो ये देखो माइनस यहाँ पे है और ये डीवाई यहाँ पे है, तो इसलिए ये दो माइनस ऊपर ऑलरेडी लिख दिए थे, पर मैंने कहा था मैं बाद में समझाऊंगी, तो यहाँ पे है। इन चारों को आप जब इक्वेशन को अंदर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो फाइनली आपको इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी। हिंदी में जस्ट नोट्स दिखाने के लिए मैं एक बार नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि नोट्स बनाने में मदद मिले आपको। ये देखिए ax था, रेट ऑफ चेंज लिया हमने, फिर kl के ऊपर हमने ये वैल्यू ली इक्वेशन 1। सिमिलरली mn के लिए हमने वैल्यू ली ये वाली, इस माइनस को हटा दीजिए, सिर्फ प्लस रखिए, n lm के अनुदेश हमें ये मिला था, n के में इस माइनस को हटा दीजिए, क्योंकि ये बाद में आता है, मैंने बताया था इक्वेशन 4 मिल गई, सबको हमने यहाँ पे ऐड किया है। आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ये क्योंकि प्लस डीएक्स था, ये क्योंकि प्लस डीवाई था, और ये माइनस जो पहले ही लिख दिया गया था, आप यहां से हटा के यहाँ पे माइनस डीएक्स ले लीजिए, इसी तरह से इस माइनस को हटा के आप माइनस का डीवाई यहाँ लिखिए, यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब ये हमें मिल चुका है, यहाँ पे क्या मिला है हमें, पूरा ए डॉट डीएल की वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ हमें पता है कि जो हमें कर्ल मिलने वाला है वो जेड डायरेक्शन में मिलने वाला है, बिकॉज जेड डायरेक्शन ही हमारे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो कंपोनेंट हमें मिलेगा वो जेड कंपोनेंट मिलेगा। तो जेड कंपोनेंट मिलेगा तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, के कैप के साथ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कर्ल ऑफ ए की डायरेक्शन जब हमारे पास एन कैप में आई थी, तो हमने कर्ल ऑफ ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किया था, एन कैप के साथ, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया था। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड तो ये आया है, राइट तो मैग्नीट्यूड ये आया है, तो जब हम कर्ल को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, के साथ लेंगे, क्योंकि तो हमें कौन सा कंपोनेंट मिला है, जेड कंपोनेंट मिला है, तो डॉट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा है गामा मैक्सिमम, और इसको डिवाइड करना था एरिया से, और एरिया हमारा कौन सा होगा, डीएक्स डीवाई, क्योंकि जो एरिया हमने लिया है वो एक्स वाई प्लेन में लिया है, सो दिस इज नथिंग बट द कर्ल, और लिमिट हमारी क्या थी, डी ए टेंस टू जीरो, तो डी ए टेंस टू जीरो पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए, तो जेड कंपोनेंट हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम ए डॉट डीएल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जेड कंपोनेंट पे जो हमने, क्योंकि हमारे पास ए डॉट डीएल की वैल्यू थी, वो ए डॉट डीएल की वैल्यू कितनी थी, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई बाय डीएक्स डीवाई, तो इस डीएक्स डीवाई से ये डीएक्स डीवाई कैंसिल हो जाएगा, और हमें कर्ल का जेड कंपोनेंट मिलेगा इक्वेशन नंबर 7 से। ये हमें मिला है जेड कंपोनेंट। अब सिमिलरली डेरिवेशन हमें नहीं करना है, सिमिलरली हमें एक्स कंपोनेंट ये मिलेगा और वाई कंपोनेंट ये मिलेगा, ये आप लोग डायरेक्टली याद रख लीजिए, ठीक है। जेड का हमने डेरिवेशन कर लिया और एक्स और वाई का हमने इन जनरल लिख दिया है, ठीक है। लेकिन कर्ल का पूरा लिखेंगे तो तीनों कंपोनेंट आएंगे, तो जब कर्ल ए को लिखेंगे तो आई कैप के साथ एक्स कंपोनेंट, जे कैप के साथ वाई कंपोनेंट, और के कैप के साथ हमारा हो जाएगा जेड कंपोनेंट। इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इक्वेशन 10 को इस फॉर्म में लिखे हैं, तो इसको ओपन करते हैं, तो देखो आई कैप के साथ क्या आएगा, ये लाइन कट जाती है और ये लाइन कट जाती है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। सिमिलरली माइनस का जे कैप करके आप जे की लाइन को काट के लिखिए, आपको इक्वेशन नंबर 10 मिल जाएगी, जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ लिखा होता है, मतलब ऊपर आई जे के लिखा होता है और यहाँ पे ए वेक्टर होता है और यहाँ पे कोई बी वेक्टर होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है ए क्रॉस बी,
यही होता है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ऊपर जो है वो हमें क्या मिल रहा है, ये देखिए जेड कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये कर्ल को हमने सिमिलरली करके लिख दिया। हाँ, तो इसमें हमारे पास, हमें पता है ये क्या है, ये हमारे पास है डेल वेक्टर और ये हमारे पास है ए वेक्टर। तो ये मैट्रिक्स हमें क्या दे रही है, ये हमें दे रही है डेल क्रॉस ए। तो कर्ल ए का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया, डेल क्रॉस ए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल ऑफ ए का, अब देखिए हमने याद है आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाला था, वो कितना आया था हमारे पास, डेल डॉट ए आया था। और कर्ल ऑफ ए हमारे पास कितना आ रहा है, डेल क्रॉस ए। तो ये हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है। अब हम चलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस पे, अच्छा स्टॉक की कर्ल थ्योरम आ गई, कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ है। हाँ, पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ये देखिए, और ऊपर भी हमें मिल गया था पहले, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ मैं वही करवा रही हूँ, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल, तो बेसिकली जो कर्ल का मतलब होता है वो होता है रोटेशन या फिर सर्कुलेशन। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कीजिए, एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, पानी भर के आप इसमें यहाँ पर एक होल कर दीजिए, तो होल में से जो पानी आएगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। लेकिन आप नोट करेंगे कि नीचे से जो आपने होल किया है उसमें से तो पानी सीधा निकल रहा है, लेकिन जो ऊपर का सरफेस है उस पर आपको सर्कुलर मोशन दिखाई देगी, सर्कुलर मोशन होते होते वो नीचे आएगा। तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखिए, इफ द कर्ल ऑफ वेक्टर ऑफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो इन एडिशन टू द मोशन ऑफ द फ्लूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर का मतलब जो नीचे वाली डायरेक्शन है उसके अलावा देर इज ऑल्सो अ मोशन लाइक दिस, ये सरफेस पे दिखाई देगा आपको। इफ देर इज अ होल एट द बॉटम ऑफ अ टब, यानी किसी टब के बॉटम पे अगर कर दें, तो वेलोसिटी जो फ्लूड है फ्लोइंग आउट ऑफ इट विल अक्वायर अ सर्कुलेशन। तो ऊपर से हमें क्या दिखेगा, सर्कुलेशन दिखेगा, एंड समथिंग फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस विल रोटेट। ऊपर आप पेपर का टुकड़ा कुछ भी रख दीजिए वो गोल गोल घूमने लग जाएगा। इस तरह की मोशन के लिए हम ये कहते हैं कि जो कर्ल है वो नॉन जीरो है, यानी कर्ल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और इसे हम रोटेशनल या फिर कर्लिंग वेक्टर फील्ड बोलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन लीनियर कंडक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि अगर आपने कोई वायर लिया है, स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, आपने पढ़ा होगा अगर इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो ये कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आपने करंट फ्लो करवाई है और सर्कुलर लाइंस के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और सर्कुलर मोशन का मतलब कर्ल ही होता है। तो हिंदी में बता देती हूँ, सदिश के कर्ल की उत्पत्ति सदैव इसके घूर्णन या परिसंचरण से होती है। ओके, ये चीज बता चुकी हूं मैं। किसी द्रव के सदिश वेग पर विचार करते हैं, अगर उसका कर्ल जीरो नहीं है, यानी कर्ल ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो किसी विशिष्ट दिशा में गति के साथ साथ, यानी टब के नीचे वाली गति के साथ साथ ऊपर क्या होगा, परिसंचरणी गति भी होगी। द्रव से भरे टब के पैंदे में अगर छेद कर दिया जाए तो द्रव से द्रव निकलने के कारण इसके सतह पर भंवर के रूप में ऊपर गति होती है, ठीक है। तो कर्ल का शून्य के बराबर नहीं होगा, इसे हम रोटेशनल कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है रेखीय चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे हमने गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा था, वैसे ही कर्ल से रिलेटेड भी एक थ्योरम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है बस, केवल हमारे पास डाइवर्जेंस, कर्ल और गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टॉक की कर्ल थ्योरम। तो स्टॉक की कर्ल थ्योरम यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं हिंदी मीडियम में भी। ओके, यहाँ पर स्टॉक की कर्ल थ्योरम शायद पहले चली गई होगी। यस, ये हमारे पास स्टॉक की कर्ल थ्योरम है। तो सबसे पहले देखिए, सपोज एन एरिया इज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड पाथ सी इन अ वेक्टर फील्ड। तो दिखा देती हूँ, ये देखिए इतना बड़ा एरिया हमारे पास लिया है हमने, ये पूरा एरिया है और ये एक बंद पाथ, ये क्लोज पाथ है, एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं इस लूप के अंदर। ओके, दिस एरिया कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एरिया एनक्लोज इन क्लोज पाथ। ये कह रहा है कि इस पूरे लूप को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो। तो छोटे छोटे सेक्शन दिख रहे हैं, ऐसा ही एक सेक्शन ये बनाया हुआ है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट मिल गए, ठीक है। नाउ इन एवरी एरिया एलिमेंट द कर्ल
अलोंग द पाथ इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हम ये भी मान के चलेंगे कि अंदर जो छोटे वाले एरिया हमें मिले हैं, सबके अंदर जो हमें सर्कुलेशन मिल रहा है, कर्ल हमें मिल रहा है, वो हमें घड़ी की उल्टी दिशा में लेना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें लेना है. Therefore, the line integral of the vector field at the common boundary of any two area will be mutually equal and opposite. For example, this. ये कह रहा है कि अगर आप सारे एरिया के अंदर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो हर एरिया की जो लाइन होगी वो दो एरिया में कॉमन होगी. देखिए, मैं यहाँ पर रेड कलर से एक लाइन बना रही हूँ, ऑरेंज कलर से ये लाइन देखिए. अब इसमें क्या हो रहा है आपके पास, आई होप इसके अंदर आपको चीज दिख रही है कि यहाँ पर दो एरिया के अंदर अपन ने तोड़ दिया है. तो जब अपन इस पाथ पे लेंगे तो हमें एक लाइन इंटीग्रल मिलेगा ए डॉट डीएल, फिर इस पर हमें ए डॉट डीएल, फिर इस पे हमें ए डॉट डीएल, और फिर इस पे हमें ए डॉट डीएल. सिमिलरली जब दूसरे एलिमेंट पे आएंगे तो इधर आएगा ए डॉट डीएल, इधर आएगा ए डॉट डीएल, इधर आएगा ए डॉट डीएल, इधर आएगा ए डॉट डीएल. तो जो कॉमन बाउंड्री आपके पास है, कॉमन बाउंड्री का क्या हो रहा है, कॉमन बाउंड्री पे आप देखिए, कॉमन बाउंड्री पे आपको इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ए डॉट डीएल मिल रहा है और ऊपर की तरफ ए डॉट डीएल मिल रहा है. और जाहिर सी बात है कि ए डॉट डीएल और नेगेटिव ए डॉट डीएल मतलब दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. यानी इसी बाउंड्री पर ए डॉट डीएल आपको एक तो मिल रहा है पॉजिटिव, और लास्ट में आपको ए डॉट डीएल इसी बाउंड्री पे दूसरे वाले एरिया का जब कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे तो वो उल्टा मिलेगा. तो जब हम लास्ट में हमें क्या करना होता है, समेशन ही तो करना होता है, तो समेशन पे हमें क्या मिलेगा, जीरो. तो कौन कौन सी बाउंड्रीज यहाँ पे कैंसिल होगी, सबको हम ब्लू कर देते हैं. इस बाउंड्री पे कैंसिल हो जाएगा, इस पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें इसमें कॉमन है, इस पे कैंसिल हो जाएगा, इस पे कैंसिल हो जाएगा, इस पे कैंसिल हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे. सिमिलरली देखो, सारी यानी अंदर जितनी भी एरिया एलिमेंट है ये सब के कैंसिल हो जाएगा. आपके पास सिर्फ बाहर वाली जो बाउंड्री है, देखो अगर मैं यहां से यहां तक की लाइन लूं तो इस पे मुझे सिर्फ अंदर वाले एरिया का सर्कुलेशन मिलेगा क्योंकि इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको कैंसिल आउट करने वाला कुछ भी नहीं होगा. इसका मतलब लास्ट में जब हम समेशन कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाहर की बाउंड्री बचेगी जबकि हमने अंदर के एरिया का सर्कुलेशन ऐड किया है, बट वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया है. ये देखिए, इसने कैंसिल आउट किया है ना, क्योंकि एक बार आप के से एल में चल रहे थे, एक बार आप एल से के में चल रहे थे, तो दोनों की वजह से उल्टा मिला. देयरफॉर एक्सेप्ट फॉर द आउटर बाउंड्री सी, यानी कि बाहर की बाउंड्री सी के अलावा, द सम ऑफ लाइन इंटीग्रल्स अलोंग द कॉमन पाथ, यानी कि जितने भी कॉमन पाथ है उन पर जो लाइन इंटीग्रल हमें निकाले हैं उन सब का समेशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डीसी, डीसी का मतलब जो छोटा वाला एरिया एलिमेंट है सबके ऊपर, हम छोटे वाले एरिया के भी चार हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डीसी लेना पड़ेगा. यानी इस छोटे वाले का टोटल लेंथ कितनी है, डीसी है, और वो डीसी कैसा है, क्लोज्ड है. और बाद में इसके बाजू वाले का लेंगे, इसके बाजू वाले का लेंगे, इसके बाजू वाले का लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, समेशन. और इस समेशन के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारे बाहर वाली बाउंड्री के इक्वल होगा, क्योंकि इस समेशन के दौरान अंदर वाले सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमें मिलेगा बाहर से, ये भी हमें बाहर वाली बाउंड्री दे रहा है और ये भी हमें बाहर वाली बाउंड्री दे रहा है. यानी कि डीसी लेंथ के टुकड़ों में तोड़ने के बावजूद आपको ए डॉट डीएल का जो समेशन मिल रहा है और बाहर का जो समेशन मिल रहा है वो सेम होगा. नाउ डेफिनेशन ऑफ कर्ल क्या है, डेफिनेशन ऑफ कर्ल हम पढ़ चुके हैं, ये होती है करेक्ट. यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालें, तो इस डीए को हमें इधर भेजना पड़ेगा, करेक्ट. तो कर्ल ए डॉट एन और साथ में क्या जाएगा, डीए. तो कर्ल ए डॉट एन डीए, और मैंने कहा था कि जो डीए की डायरेक्शन है वो होती कौन सी है, एनकेपी होती है. तो अगर किसी का मैग्नीट्यूड उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमें उसी का वेक्टर लग के मिल जाता है. तो ये जो एन डॉट डीए है इसे हम क्या लिख सकते हैं, डीए वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये देखो एन डॉट डीए क्या होता है, डीए वेक्टर होता है. तो हमारे पास समेशन में क्या आ गया, ये समेशन में कर्ल ऑफ ए तो था और साथ में हमें क्या मिला है, डीए वेक्टर मिला है. यहाँ पे डीए वेक्टर मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि देखो ये तो डीसी की वैल्यू थी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन ये थी, ए डॉट डीएल इज इक्वल्स टू समेशन, और यहाँ पे हमारे पास था डीसी ए डॉट डीएल. ये इक्वेशन नंबर वन में देख लेना. इसकी जगह हमने क्या रखा है, इसकी जगह हमने रखा है कर्ल ऑफ ए डॉट डीए. ये था
ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू है ना, कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए, तो इसकी जगह रखा, बाकी समेशन एज इट इज रहेगा, तो समेशन एज इट इज है और ये हो गया। अब अगर हमने डी ए को जीरो के अप्रोचिंग मान लिया, डी ए टेंस टू जीरो मान लोगे, तो ये समेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंटीग्रेशन से। इन दैट कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। लेकिन क्योंकि एरिया है तो इंटीग्रेशन कैसा लगेगा, सरफेस। अब आप ध्यान रखिए इस वाले पे ऐसा साइन नहीं है, क्योंकि आपका जो लूप था वो टू डायमेंशनल प्लेन में है, टू डायमेंशन में क्लोज सरफेस नहीं बनता है, उसके लिए थ्री डायमेंशन बॉडी होनी चाहिए। हमारा लूप तो हमारी स्क्रीन के प्लेन में था तो ओपन सरफेस बना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में पाथ तो बंद है, इसलिए यहां तो क्लोज का साइन होगा, सरफेस पे क्लोज का साइन नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द स्टॉक थ्योरम। अब स्टॉक थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टॉक थ्योरम का मतलब क्या है, क्लियरली द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये लाइन इंटीग्रल था, ये वेक्टर फील्ड था, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ एरिया क्लोज्ड एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। यही आपके क्या है, स्टॉक थ्योरम है, यानी किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल उसी के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। दिस इज नोन एज स्टॉक थ्योरम। और इसका यूज क्या होगा, लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करना हो या सरफेस को लाइन में कन्वर्ट करना हो, तो दिस थ्योरम इज यूज इन कन्वर्टिंग द लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर थोड़ा सा हिंदी में भी देख लीजिए, सेम वही है, ए वेक्टर में हमने कोई बंद पथ लिया है सी और इसको डीसी अल्पांशों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, सब पे हमने जो कर लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है, लेकिन जो भी उभयनिष्ठ सीमा होगी उन पर हमें क्या मिलेगा, कैंसल आउट होगा। एग्जांपल दे रखा है, तो बीच बाह्य परिसीमा के अलावा सभी पर रेखा समाकलों का योग शून्य हो जाएगा। तो अगर हम बाहर की बाउंड्री पर लेते भी हैं तो वो अंदर वाली बाउंड्री के समेशन के इक्वल होगा, क्योंकि वैसे भी सारे कैंसल आउट हो रहे हैं। कर्ल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो अगर ये कर्ल की डेफिनेशन हम डीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलेगा, और जो एन डी ए है इस एन डी ए की जगह हम डीए वेक्टर ले सकते हैं, तो जो डीसी है वो हमारा ये आ जाएगा, और ये जो डीसी है वो हम इक्वेशन वन में रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और इन केस अगर डी ए टेंस टू जीरो है तो समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, तो डेफिनेशन क्या होगी, सॉरी स्टेटमेंट क्या होगा थ्योरम का, अतः किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश, क्योंकि ये जो सी है वो आपका बंद पथ जो था, ये जो एरिया था इसकी परिसीमा यानी बाउंड्री के अनुदिश लिया है, अनुदिश लिया गया रेखा समाकल, उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। यानी कि ये कह रहा है कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की बाउंड्री पे लिया गया रेखा समाकल उसी के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल यानी कि पृष्ठ समाकल के बराबर होता है, इसे स्टोकी थ्योरम कहते हैं। ये रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में या पृष्ठ समाकल को रेखा समाकल में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, गाउस का जो नियम है उसके दो रूप होते हैं, अवकल और समाकल रूप, यानी उसके इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म होते हैं। मैं देखती हूँ कहाँ पे है ये, हाँ, गॉस लॉ एंड डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रेशन फॉर्म। देखो ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, इसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, तो जैसे ही पढ़ लीजिए। सपोज आपके पास कोई एक क्लोज सर्फेस हमने लिया है, क्लोज सर्फेस है, क्लोज सर्फेस का मतलब रूम इमेजिन कर लो, क्योंकि थ्री डायमेंशन सरफेस है, क्लोज सरफेस का मतलब थ्री डी है। तो जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उस कमरे को ले लो, है ना, तो उसके अंदर हमने कितना चार्ज रखा है, बहुत सारे चार्ज रखा है, Q1, Q2, Q3 बहुत सारे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, E डॉट डी होता है, और गॉस लॉ से आप जानते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होता है एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर ये चार्ज पॉइंट फॉर्म में ना होकर किसी पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता, जैसे पानी का ग्लास है, तो पानी के ग्लास में आपको एक एक पानी का पार्टिकल नहीं दिखता है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है। तो अगर यही चार्ज जो है वो किसी वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो आपके पास क्या होता, इस तरह का वॉल्यूम है, मान लीजिए इसके अंदर मान लीजिए डी क्यू चार्ज है और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो डीवी है,
तो मुझे बताइए डीवी चार्ज में, अगर डीवी वॉल्यूम में डीक्यू चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, डीक्यू अपॉन डीवी। और एकांक आयतन में आवेश की मात्रा यानी चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास रो का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, डीक्यू अपॉन डीवी। तो यहां से डीक्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, रो डीवी। और अगर आपको पूरे सरफेस में टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो ये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं, रो डीवी। तो इस फॉर्मूले में क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रो डीवी, करेक्ट। तो ये देखिए डीक्यू आपका रो डीवी है, तो टोटल चार्ज आपका रो डीवी हो जाएगा। तो हमारा जो फाई था, ई डॉट डी ए था, वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन था, तो वो ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करती है, वो हमने पढ़ा था, कितना था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ए डॉट डी ए इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए टाइम्स डीवी, ये था हमारे पास, करेक्ट। तो हमारे पास यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहां पर ए की जगह हम क्या करेंगे, ई पुट कर देते हैं, तो यहां पर भी ए की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास ई आ जाएगा। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो मैं इसको बराबर कर देती हूं डेल डॉट ई डीवी। तो इसका भी डीवी पे इंटीग्रेशन और इसका भी डीवी पे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचा आपके पास रो अपॉन एप्साइलन, और इधर क्या बचा डेल डॉट ई, तो डेल डॉट ई किसके इक्वल हो गया आपका, रो अपॉन एप्साइलन के बाद। तो गॉस लॉ का ये तो होता है डिफरेंशियल फॉर्म, यानी कि अवकलन का रूप, अवकल रूप, और जो ये वाला है इक्वेशन नंबर 5 ये होता है समाकल रूप, इंटीग्रल फॉर्म, ओके। तो ध्यान रखिएगा गॉस लॉ के दो फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। इक्वेशन 5 आपका इंटीग्रल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों साइड में इंटीग्रेशन हो रहा है, और 7 आपका डिफरेंशियल फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेल ऑपरेटर आता है, जिसमें कि डेल बाय डेल एक्स होता है, जो हम जानते हैं किसका ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन का, अवकलन का। तो हिंदी में भी देख लेते हैं, तो ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं बता रहा है ये, तो बस बता रहा है गॉस लॉ आपके पास क्या होता है। तो फ्लक्स आपके पास ये है, गॉस लॉ से ये होता है, रो का मैंने भी बताया था आपको, डीक्यू आपके पास आ जाएगा, टोटल चार्ज आपने निकाल लिया है, और ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगा, ये देखिए समाकल रूप, और गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। चैप्टर 1 में हमारे पास, मतलब चैप्टर 1 तो क्या, ये कंप्लीट यूनिट 1 ही हो जाती है अगर अपन राजस्थान की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट है, लेकिन इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, या फिर इसके जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो आज हम थ्योरी कर ली है हमने, अब कल हमने ये जो दो लेक्चर्स करे हैं इन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम कल करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।